चिनान हो चुका है। तो क्या क्या मालूम आपको, नए कार्यक्रम कार्य शुभारंभ जब से आ रहे मोदी जी, कोई आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। आए मोदी जी, दादाजी पढ़ लेके चले गए, आज भी दीवार खींचेगा पर कुछ काम नहीं। और अब तो ऐसे होगा, भागीदारी वही रखी है जो मैंने रखी थी। अब मैं इस मंच से पूछता हूँ वसुंधरा जी, अब जवाब दो आप कि मुझे कहा आपने 26 ही क्यों रखी है, ज्यादा क्यों नहीं की? अब आपने ज्यादा क्यों नहीं की, 26 ही आपने क्यों रखी 4 साल के बाद? इसका जवाब कोई जवाब नहीं। कहने का मतलब यह कि रिफाइनरी हो, आदिवासियों में रहे दिन, गाड़ी जाने की बात हो, बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम टॉप और ढूंढने थे कोरोली रेल से बंद कर दिया काम, कोर्ट फैक्ट्री आनी थी भीलवाड़ा में, पता नहीं उसका क्या हुआ, मेट्रो आनी थी जयपुर में, नाम ही बंद ले रहा है, बात बना था सिंचाई के लिए हड़ौती के अंदर डिले कर दिया, सब काम में सब कर दिए, ऐसा कभी नहीं होता। मुख्यमंत्री मैं बना हूं, एक बार भरोसी शेखाव साहब को हरा करके मैंने उनके काम को बंद नहीं किया। वसुंधरा जी चुनाव हार गई 2008 के अंदर, मैं दूसरी बार बना मुख्यमंत्री, मैंने कोई काम उनके बंद नहीं किए। और मैं फिर कहता हूं अभी इस बार सरकार हमारी बनेगी, आज जो काम कर रहे हैं हम कोई बंद नहीं करने वाले, उनके काम ये हमारी सोच नहीं है। बंद करने की सोच जिनका दिमाग बंद होता है वो ही रखते हैं, हमारा दिमाग खुला है, खुले हवा में सांस लेते हैं, हम कोई बंद नहीं करने वाले, जिनका सफर करके काम बंद कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। ये हमारी सोच सकारात्मक है, उनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए उन्होंने काम एयरपोर्ट ये रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, 5 साल में किए नहीं, आपका ही होगा, हिंदुस्तान भर में एकमात्र मुख्यमंत्री है महाराणी साहिबा वसुंधरा जी। अहम गमन में चलती है और क्या रुकती मालूम आपको, आप तो सबको राम रंगा जी नहीं रहे विश्व साहब, उस जमाने के पहले से ही हमेशा हमारा परमानेंट इतना ही पता होता सर्किट हाउस, कोई गांव का आदमी जाएंगे जालोर, जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं मंत्री आए हुए कहा मिलेंगे पूछ ले जूते नहीं भाई सर्किट मिलना ही, वहां पता हमारा इतना ही होता है दौरे में। ये मुख्यमंत्री वो है जो कभी भी सर्किट रुकी नहीं, आते कभी रुकती है, बड़े बड़े महलों में रुकती है, 5 सितारा होटल में रुकती है, जब 1 लाख रुपए लगता है 1 रात सोने का नाम आप करता है वो मुख्यमंत्री है। कोई 10 साल में कोई इक्का दुक्का जगह कोई जगह नहीं मिली होगी, कहीं थानी महल रुक गई होगी, कहीं नहीं रुकती, ये स्थिति इनकी बनी हुई है। तो अभी गौरव यात्रा जब निकाल रही थी तो मैं कहा मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी आपने क्या काम किए बताओ जनता को, ये चुनाव है, चुनाव बताना पड़ता है हमने ये काम किए, हमारी उपलब्धि ये है, आप देखा जो मैं तो जनता को, ये जनता माई बाप है, ये तय करती है जज जज के रूप में, जज के रूप में कि न्यायाधीश के रूप में कि आपने अच्छे काम किए, कौन सा काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आगे आप क्या करोगे, उसके बाद में फैसला करते हो किसको कुछ बैठाना है। तो मैं कहा वसुंधरा जी दरबार में बताओ जनता को बजाय दूसरी बातें करने के, आपने की उपलब्धि क्या किया है, क्यों काम रोके आपने, बड़े बड़े काम क्यों रोके, जनता को रास्ता निकाल होता है। मैंने कहा गौरव यात्रा किस बात की निकाल रही हो, किस बात का गौरव है, मैंने कहा ये गौरव यात्रा नहीं है, ये आपकी विदाई यात्रा है, विदाई यात्रा है राजस्थान मुख्यमंत्री पद से, ये स्थिति है इनकी, निकाले निकालते रहे कई 2-3 दिन जगह काले झंडे निकाल दिए उनको। अरे काले झंडे तो भाई मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, ये धरने हैं, कुछ लोग गुस्से में होते हैं, लोकतंत्र है, हिंसा मत करो, माना आप कभी झंडा बात सुनने पड़ते हैं तो कभी मुर्दा बात सुनने पड़ते हैं, कभी धरना होता है प्रदर्शन होता है, काले झंडे देखते हैं हम लोग, उसमें हर्ज क्या है, ये तो आभूषण है लोकतंत्र के, गुस्सा पकड़ करने के आभूषण के रूप में है ये सब धरना प्रदर्शन, इसमें कोई चिंता करती हो, काला झंडा देखते ही कहते पुलिस वालों को मेरे सामने कोई काला झंडा आना नहीं चाहिए मेरी यात्रा का। मैं कह वसुंधरा जी हमारी महिलाएं भी अपने बच्चे के कान टीका लगाती हुई नजर नहीं लगनी चाहिए, और आप बिना मतलब की भड़कती हो कोई कारण नहीं है, पर बाद में यात्रा तो छोड़ दी, गौरव तो भूल गई, हेलीकॉप्टर यात्रा करने लग गई है, क्या जवाब जनता को दे, जनता पूछती गई, लेकिन महिला ने पूछा आप यहाँ क्यों आई हो, आज तो मिली नहीं,
हमारे काम किए नहीं, नौकरी मेरे बेटे की लगी नहीं, पानी मेरे में आया नहीं, बेटी पूरी आते नहीं है, जवाब सुन सुन करके वो खुद ही हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं। ये उनकी स्थिति बन चुकी राजस्थान में। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो हालात है प्रदेश के और देश के, हमने झूठे वादे सुने मोदी जी के भी, ब्लैक मनी लेके आऊंगा विदेशों से, एक रुपया लेके नहीं आया पाकिस्तान में, ये स्थिति बन गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई नौकरी नहीं लगी। वसुंधरा जी का मैं 15 लाख नौकरी दूंगी, पता क्या हुआ, सिफर हो गया। नोटबंदी करी जो महिलाएं और सब पैसा बचा दी थी, मैं घर में थोड़ा बहुत उनको निकला दिया, मैं बैंकिंग महिलाएं बैंक बैठी है, ये पति जी छिपा के शेविंग कर लेती है, भाई कुछ रखो एमरजेंसी में काम आ जाएगा पैसा, अड़े बड़े काम आएगा, वो अड़े बड़े और काम का पैसे लाइन में रखो और जमा कर दो, ये हो गया। ये स्थिति बनी है और कह दिया भव हो गया, जब पूरा देश सड़कों में खड़ा हो गया लाइनों में, ब्लैक मनी व्हाइट हो गई, जो पैसे वाले थे ब्लैक मनी वाले वो तकते उनको हो ही नहीं, नकली नोट आते थे पाकिस्तान में वही जमा हो गए बैंकों में, तो पूरा प्रोग्राम हो गया फेल। घबरा गए मोदी जी, एक दिन कहा मैं 50 दिन और नतीजे में ठीक कर लूंगा इसको, कोई 150 से निकले हुए ऑर्डर नए नए रोज के सुधार करने के लिए, सुधार नहीं हो पाया, 50 दिन लीजिए मैं ठीक करूंगा इस व्यवस्था को, नहीं तो मुझे चला था लटका देना। आप प्रधानमंत्री को लटकाना नहीं चाहते हम लोग, पर हाँ आज पूरे देश के 84 जितने भी हैं वो इंतजार कर रहे मोदी जी।